व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं कुछ दिन के लिए वीडियोस नहीं डाल पाया, बट मैं आप लोगों के लिए ही कंटेंट बना रहा था सो दैट आपको इकट्ठा एक अच्छी सीरीज दे पाऊँ जो हम लेके आ चुके हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए। बिजनेस स्टडीज में भी घबराना मत, बिजनेस स्टडीज भी मैं डालता रहूँगा, बट इमीडिएटली अगर आपको कुछ चाहिए तो लास्ट ईयर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, उसको चेक करो और आराम से अपना कवर कर लो। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैशबुक का एक शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहने वाले हैं हाई, क्योंकि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें फाइनल्स में सब कुछ आता है। तो आपके पास पहले हो या ना हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बोर्ड्स के लिए, आपकी क्लास के लिए, 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखते हैं और डबल कॉलम कैशबुक में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ये रहा, लेट्स बिगिन। सबसे पहले डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट बनाते हैं। सर, डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट किस तरीके से आपने सिखाया था, याद करो बेटा जी। सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर LF और वाउचर नंबर, बिल्कुल छोटा सा बनता है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, डेबिट, क्रेडिट, LF, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और डेट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश और बैंक। ठीक है जी, ये डबल कॉलम का एक बेसिक फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार है। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द टू कॉलम कैशबुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस सुनीता। सुनीता जी की कैशबुक बना रहे हैं जनवरी की 2018 की। शुरुआत कहाँ से हो रही है जरा ध्यान से देखना। शुरुआत में हमें दिया है कैश इन हैंड, जो कि मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे। लेकिन बैंक का पॉजिटिव बैलेंस नहीं दिया है, बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस, इसको हम नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं और ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ये चीज ध्यान से समझना, कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो या क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है 70,000 और 50,000। चलो जी, 70 और 50। कैश का तो हम लिखेंगे टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, लेकिन बैंक का इधर लिखेंगे हम नेगेटिव में 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1, 2000, कौन सा बना रहे हैं हम 2018 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, बैंक में कुछ नहीं आया, इधर कैश में कुछ नहीं आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा लिख दिया हमने 2018 में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब रूल्स बहुत सिंपल है, कोई भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड में आएगा, कोई भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा 50,000 रुपीज का। सर 50,000 का अगर माल बेच दिया तो पैसा आ गया, 50,000 माल बेचा टू सेल्स अकाउंट जनवरी 4 ही था ना, हाँ जनवरी 4। जनवरी 5 में क्या लिखा है, जनवरी 5 में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, दिस इज सावधान इंडिया ट्रांजैक्शन, सावधान इंडिया ट्रांजैक्शन, सावधान इंडिया सवाल। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000, मैंने बैंक में पैसा जमा करा। अब सोचो बैंक में अगर पैसा जमा कर दिया तो बैंक बढ़ जाएगा, 80,000 बैंक बढ़ गया, लेकिन बाबूजी कैश कम भी तो हो गया इतने से ही, बैंक बढ़ा तो कैश कम भी तो हुआ, तो इधर आप कैश को कम करोगे इतना ही। कैश से पैसा गया, कहाँ गया सर, बैंक में गया। और सर ये बैंक में पैसा कहाँ से आया, कैश से आया,
और इसको मैंने एलएफ में कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से दिखा दिया। कोई भी ट्रांजेक्शन जो दोनों तरफ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो उसको सी से डिनोट कर देते हैं, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया 80,000 रुपीज। ये मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अगली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना 30,000 रुपीज। मीना से हमने 30,000 रुपीज के गुड्स खरीदे, 30,000 रुपये गुड्स खरीदे बाय परचेजेस अकाउंट। अब अगर आपने इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया बाय परचेजेस, तो आपके नंबर कट गए। सर क्यों, माल खरीदा पैसा गया? ना बेटा, देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, लास्ट क्लास में भी समझाई थी मैंने, कहीं पे भी अगर नाम आ जाए तो वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। आपने माल तो ज़रूर खरीदा है लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा बाबा। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगला January 7 चेक इशूड टू मीना, हमने चेक दिया मीना को 28,800 का फुल सेटलमेंट में। हमने मीना को बोला यार पेमेंट कर रहे हैं, 1,200 का डिस्काउंट लेंगे, 28,800 का पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अकाउंट बंद करना, सेटल करना, हिसाब किताब करना। तो 30 की जगह अगर आप 28,800 दे रहे हो तो आप ऑब्वियसली 1,200 का डिस्काउंट ले रहे हो, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपके पास से चेक कितने का गया, 28,800 का। तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी 7 में लिखेंगे इसको बाय मीना 28,800 बाय मीना, चेक गया है 28,800 हमारे बैंक में से जनवरी 7 में हमने पेमेंट करा मीना को, बाय मीना 28,800 का हमने चेक दे दिया, ठीक है जी। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना को पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से हमने 5,000 निकाले पर्सनल यूज के लिए, बैंक से विड्रॉ करे 5,000 पर्सनल यूज के लिए, यानी पैसा निकाल के घर ले गए, 5,000 बैंक से निकाले और पर्सनल यूज के लिए है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। आप कोई भी पैसा निकाल के घर ले जाते हो तो वो ड्रॉइंग्स है। जनवरी 8 बैंक से पैसा आया लेकिन आपके बिजनेस में नहीं रहा, आप घर ले गए, तो बस बाय ड्रॉइंग्स बैंक बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। हमने जनवरी 12 में अजय को माल बेचा और उससे चेक मिल गया, बट एक बात समझो, फिर से माल बेचा और चेक मिल गया, चेक मिलने का मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, जब मैं उस चेक को बैंक में जमा करूंगा। जब तक मैं वो चेक अपनी पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ मेरा बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले कभी चेक आए तो आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या किसी और डेट पे कुछ और लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 17 में चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी ये जो चेक 12 को मिला ये 17 को जमा हुआ, तो मेरे बैंक में जो पैसा आएगा वो 17 को आएगा बेटा जी, 12 को नहीं आएगा। इन केस ये ट्रांजेक्शन ना होती, सपोज ये ट्रांजेक्शन होती ना, तो फिर हम एज्यूम कर लेते कि वो सेम डे हो गया। दो चीजें हैं पकड़ के चलो, कभी भी चेक आए तो आगे क्वेश्चन पढ़ो कि क्या क्वेश्चन में कोई डिटेल दिया है उसके बारे में, अगर नहीं दिया तो सेम डे पे डिपॉजिट कर दो, अदरवाइज दिया है तो जिस डेट पे दिया है उस डेट पे जमा करेंगे। 17 में चेक मिला अजय से 25,000 रुपए, 17 में 25,000 रुपए टू चेक इन हैंड, ठीक है जी, 17 में ये सीधा हमने चेक जमा कर दिया 25,000 रुपीज बैंक, ठीक है। चलो जी सर ये जमा हो गया हमारे पास 25,000 रुपीज। उसके बाद बैंक चार्जेस, जनवरी 20 में बैंक ने हमारे से 500 रुपए लिए, जनवरी 20 में 500 रुपए बैंक ने ले लिए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जब भी होंगे तो आपके बैंक से पैसा कटेगा, तो वो माइनस हो गया बैंक में से, ठीक है। जनवरी 20 में आपने इस तरीके से दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक 2,500, बैंक ने आपसे फिर से इंटरेस्ट ले लिया जनवरी 22 में 2,500 रुपए का,
जनवरी 22 में बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 28,000। आपको रमेश से कैश मिला 28,000। कैश फ्रॉम रमेश 28,000। हमें कैश रिसीव हो गया बेटा जी। दिस इज सॉर्टेड। नेक्स्ट क्या है? पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब यहां पे जरा ध्यान देना, सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने चेक से पे करा है। सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बुक्स भी सुनीता की है। सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये ड्रॉइंग्स है। आपने सुनीता का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा कितने में? सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपए का, जनवरी 28। हमेशा याद रखना, कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हो तो वो ड्रॉइंग्स है। ओके, 15,000 का था ना, 15,000, यस। नेक्स्ट क्या है? ये ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में जमा कर दो एंटायर बैलेंस, सारा बैलेंस। सर किसका बैलेंस? बैंक में किसका बैलेंस जमा करोगे? कैश का ही जमा करोगे। डिपॉजिट इन टू द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब बचा लो, बचा लो। कितना बचाना है? 5,000 कैश इन द बिजनेस। यानी कि आपके पास जो भी कैश का बैलेंस आ रहा है वो सब बैंक में जमा कर दो। कितना बचा के? 5,000 बचा के। दोबारा पढ़ो, डिपॉजिट इन टू द बैंक, बैंक में जमा कर दो एंटायर बैलेंस, सारा बैलेंस। किसको छोड़ के? आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन बिजनेस, बिजनेस में 5,000 छोड़ दो, बाकी सब जमा कर दो। ठीक है जी, 5,000 छोड़ देंगे, बाकी सब जमा कर देंगे। तो पहले चेक तो कर लेंगे हमारे पास कैश में है कितना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम कैश का ये वाला टोटल लगाते हैं कि मेरे पास कैश आया कितना था। 70 और 50 120 120 और 28 148। तो मेरे पास 148,000 टोटल कैश में आए थे। वन फोर्टी एट में से 80,000 का खर्चा हो गया। 148 माइनस 80,000, तो मेरे पास 68,000 बचेंगे। देखो खर्चा बस एक ही है, ये एक ही है 80,000 का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 148 माइनस 80,000, आपके पास 68,000 बैलेंस बचता। अगर मैं नॉर्मली बैलेंस निकालता तो यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस आता वो कितना आता? 68 आता। आता या नहीं आता? लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, आपको इतना बैलेंस नहीं रखना। डिपॉजिट इनटू बैंक आपको बोल रहा है सारा जमा कर दो, यहाँ पे सिर्फ 5,000 रख के। यानी मुझे यहाँ पे 68 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बस 5,000 चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 रखने हैं तो 68 माइनस 5 मैंने बचा लिया, क्या मैं 63,000 बैंक में डिपॉजिट कर दूँ? यही बोल रहा है, डिपॉजिट इन टू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000, 5,000 रिटेन करने के बाद सारा बैलेंस जमा कर दो बैंक में। तो मैं क्या करूँगा, 68 में से 5,000 यहाँ पे बैलेंस बचाऊंगा और 63,000 बैंक में जमा कर दूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री मारूंगा कि ये जो कैश है ये मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ और बैंक में 63,000 बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ से आया? कैश से आया। डेट जो भी है डाल लेना यार, जो भी है ठीक है। क्या करा मैंने दोबारा से समझो, डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक में जमा कर दो सारा बैलेंस, क्या बचा के? आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। तो 68 में से 5,000 मैंने बचाए, मैंने बैलेंस निकाला प्लस करके, ये सब खर्चे माइनस करे, बैलेंस 68 निकल रहा था। आपको बोल रहा है ऑफिस में सिर्फ 5,000 रखना है, तो ऑफिस में 68 में से 5,000 रखे तो कितना बचा? 63, वो बैंक में जमा कर दिया, कैश से कम कर दिया, बैंक बढ़ा दिया, सिंपल। अब बैंक का बैलेंस निकाल लो। सर बैंक का बैलेंस किधर आ रहा है? चलो बैंक का बैलेंस के लिए देखते हैं जरा, बैंक में ज़्यादा वाली साइड कौन सी है? डेबिट वाली लग रही है। 80 63 और 25 80 63 25 168
थाउजेंड 168,000 ये खर्चे माइनस करो, 50,000 का पहला खर्चा, 28,800 का दूसरा खर्चा, 5,000 का तीसरा खर्चा, 500 का खर्चा, 2,500 का खर्चा और 15,000 का खर्चा, तो बैंक में बचा 66,200 बैंक में बचा। ये हमने बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। कौन सी डेट पे हो रहा था ये सब? लास्ट डेट पे हो रहा है गैस, January 30 पे हो रहा है। ये हुआ है जनवरी 30। और जो हम बैलेंस निकालते हैं वो January 31 पे निकालते हैं। जनवरी के बाद हमारे पास फेब आ जाएगा, तो Feb 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में कितना बैलेंस आया 148, बैंक में कितना बैलेंस आया, सॉरी ये तो टोटल था, कैश में तो हमने 5,000 बचाए थे, 5,000 और बैंक में 66,200। तो इस तरीके से आपके पास ये डबल कॉलम कैश बुक बनता है, जिसमें कि रिटेनिंग वाली एंट्री भी देख ली आपने, कॉन्ट्रा एंट्रीज भी देख ली, और बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। एग्जाम्स में 6 to 8 marks का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, इसी लेंथ का। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऑल्दो आपको साथ साथ सॉल्व करना चाहिए। प्रैक्टिस करो इस तरीके के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेटी कैश बुक कराता हूँ, एंड इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 2-3 क्वेश्चंस और करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।